बिसम रहीम इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट वी आर डूइंग एन इम्पॉर्टेंट एरिया दैट इज़ करेंसी मैनेजमेंट कि करंसी का रिस्क क्या है करेंसी का इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो में क्या है स्पेसिफिकली एसेट क्लास पे एंड इवन टू अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी वो कितना इम्पैक्ट करेगा कितना गेज करने के लिए उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ये कर करें लास्टली जो हम बात कर रहे थे दैट वॉज़ अबाउट हेजिंग कि हेजिंग क्या है हेजिंग होती क्या है कि वेन वी ट्राई टू सेफ गार्ड आर सेल्फ फ्रॉम द पर्टिकुलर करेंसी मूवमेंट दैट्स रेफर टू एज हेजिंग अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हेज करना कितना बेहतर है कितने परसेंट तक हैज करना भी चाहिए अनहेज रहते हैं तो क्या होता है और हिस्टोरिकली हैजिंग से आउटकम्स क्या आई हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे लुकिंग एट ग्लोबल इक्विटीज़ पोर्टफोलियो हैज बैक टू करेंसीज विथ हाई इंटरेस्ट रेट्स टेन टू परफॉर्म बेडर दैन दोज हेज बैक टू करेंसी विद लो इंटरेस्ट रेट यानी कि हम जब बात कर रहे हैं कि जिस मुल्क में इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा हैं वहाँ पर हैज पोर्टफोलियोज़ का इम्पैक्ट बेहतर देखा गया है इन कंप्र कंट्रीज़ वेयर इंटरेस्ट रेट्स आर लो सो उनका जो इम्प्लीकेशन आई जो बेहतरी आई वो हैजिंग में ज़्यादा आई जहाँ पर इंट्रस्ट रेट्स लेवल्स बहुत हाई The annualized return of Barclays Global Aggregate Index hedged into different currencies produce very different outcomes. With sterling, it provides 5%, but the euro, 4%. Now, this impact hai. hedged. Ki hi baat ho rahi hai. Kya, currencies against kya And Australian dollar leads way with 7%. So, even with the hedging, you can see variation and the impacts are different. लिविंग इन्वेस्टमेंट अनहेज कैन लीड टू वाइड डिस्क्रिपेंसीज इन एब्सोलूट रिटर्न बट ऑल्सो इन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अगर आप अनहेज छोड़ देते हैं कोई इम्पैक्ट नहीं लेते तो उसकी वेरिएशन डिस्क्रिपेंसीज बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में इम्पैक्ट आ रहा होता है बिकॉज यू आर टेकिंग एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिस्क तो मे बी आपका जो एब्सोलूट रिटर्न शायद ज़्यादा ही हो लेकिन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि आपने रिस्क लेवल्स को ज्यादा रखा हुआ है टू प्रोवाइड बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। हेजिंग से क्या फायदा हुआ आपके जो रिस्क लेवल्स हैं वो कम आ गए तो विद गिवन लेवल ऑफ रिस्क जो आपने रिटर्न कमाया वो बेहतर आ जाता है वेन यू आर हेजड एज ओवर लॉन्ग टर्म करेंसीज इंक्रीज वॉलिटिलिटी बट नॉट रिटर्न क्योंकि करेंसीज ने मूव फ्लक्चुएशंस लानी हैं कोई रिटर्न में इतना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लाना तो वेन यू आर हैजिंग दैम तो आप वो रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करें तो आपका रिस्क एडजस्टड रिटर्न जो है वो हट जाएगा और हमने पहले भी ये बात की हुई है कि पोर्टफोलियो में एब्सोलूट रिटर्न इतना मान ही नहीं रखता जितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले लें और रिटर्न ज़्यादा कमा लें दिस इज़ नॉट एन एफिशेंट स्ट्रक्चर एफिशिएंट क्या है कि आप गिवन रिस्क लेवल पे ज़्यादा रिटर्न कमाएं दैट्स मेयर द की रोल है कि आप लोगों का जो फाइनेंस प्रोफेशनल की जो कमाल है वो यही है कि लो रिस्क पे आप अच्छा रिटर्न कमाएं तो कंपेयर जब होता है तो रिस्क एडजस्टेड बेस पे कंपैरिजन ज़्यादा मीनिंगफुल होता है ऑल्सो मोस्ट ग्लोबल इंडस्ट्रीज आर हैविल स्क्यूर्ड टूवर्ड्स यू एस एसिड ये हमें पता है कि जो मेजर इंडेक्सेज हैं वो यू एस की तरफ ज़्यादा है, इंक्लाइंड हैं यू एस डॉलर का इम्पैक्ट उसमें ज़्यादा है एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस बिवीन हेज रिटर्न एंड आर लिमिटेड तो हेजिंग का इम्पैक्ट भी एक सर्टन लेवल तक ही आता है बहुत ज़्यादा नहीं आ सकता बिकॉज करेंसीज कितनी हैं आपकी करेंसी के रेलिवेंट में दूसरी करेंसीज कितनी हैं तो वो भी इम्पैक्ट करेगी कि आपकी हेजिंग कितनी इफेक्टिव है कितना फ्रूटफुल हो है फॉर अदर करेंसीज द रिटर्न डिफरेंस कैन डिफर वाइडली डिपेंडिंग ऑन टाइमिंग क्या आप किस लेवल पे एंट्री कर रहे हैं किस लेवल पे फॉल कर रहे हैं या करेंसीज की मूवमेंट किस लेवल पे आ रही हैं तो ये बड़ा इम्पैक्ट है हमारे पूरे पोर्टफोलियो के रिटर्न पे पूरे डायनेमिक्स को इम्पैक्ट कर रहा होता है तो वी हैव टू सी के कितने प्रोपोर्शन दूसरी करेंसीज़ है कितने प्रोपोर्शन हमारी डोमेस्टिक है और किस टाइम पे एंट्री हो रही है बिकॉज जैसे भी हमने 2016 की पहले बात की थी को एक एक्सट्रीम केस थी जब करेंसीज में पाउंड और डॉलर में बहुत यूज चेंज था जो कि पोर्टफोलियोज़ को बहुत ज़्यादा सोलली इम्पैक्ट किया था फिक्स इनकम एसिट्स आर जनरली कंसिडर लेस्ट वॉलेटाइट फ़िक्स इनकम से बुराद यहाँ पे क्या है कि आप बॉन्ड्स में हैं या एनी थिंग विच इज़ हैविंग अ फिक्स स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट रेट्स जो कि वेल नोन है तो इन में ज़्यादातर रिस्क लेवल कम्पेयर टू तो स्टॉक्स कंपेयर टू तो इक्विटी ऑलरेडी लोअर साइड पे हैं एंड देयर फॉर मेक सेंस इंस्टीट्यूशनली टू हेज एनी फॉरन करेंसी तो इसमें वैसे ही हमारी स्ट्रीम कैश फ्लो की डिफाइंड है हमें पता है कब पैसे आने हैं कितने आने हैं मेच्योरिटी कितनी है कोपोन्स कितने हैं है। तो यहाँ पर हैजिंग का रोल ज़्यादा अच्छा Trigger हो सकता no. है बट इट इज सेम फॉर इक्विटीज नो इक्विटीज की डायनेमिक्स फर्क है इक्विटीज के स्ट्रक्चर हमें पता नहीं है कंपनी ने कब डिविडेंड देना है नहीं देना प्रॉफिट में क्या मूवमेंट आएगी स्टॉक प्राइस में कितनी चेंज कब आएगी वो काफी वॉलिटिलिटी है तो स्टॉक की अपने रिस्क इंडिविजुअल कैपेसिटी के बहुत ज्यादा हैं कॉमनली एक्सेप्टेड थाट इज दैट इक्विटी इज एम बैड डिग्री ऑफ करेंसी हैजिंग लेटमी कम अगेन कि जो हम कह रहे हैं कि जो स्टॉक्स हैं उन्होंने उसमें ऑलरेडी कुछ करेंसीज़ की हैजिंग होती है इज इट सो? यस फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक टेक्सटाइल मिल का शेयर ख़रीदा टेक्सटाइल मिल ज़्यादा काम ही एक्सपोर्ट का करती है तो अब वो जब एक्सपोर्ट करती है उनके पैसे बाहर से आने होते हैं इसका मतलब है उनके पास ऑलरेडी करेंसी का एक्सपोजर है तो वो कंपनी खुद करेंसी रिस्क को बड़ा अच्छा मैनेज कर रही होती है तो इसका मतलब है इन्वेस्टर अगर उसका शेयर खरीदता है तो वो डायरेक्ट अगर हैज नहीं भी करेगा तो कंपनी की हैजिंग विल गेट बेनिफिट टू तो हिम बिकॉज कंपनी जिसने फॉरेन पेमेंट्स लेनी है फॉरेन काम करना है तो वो उनसे ऑलरेडी अपने, अपने आप को हेज कर रही होती तो आपको एक काइंड ऑफ हज स्टॉक मिल रहा है मोस्ट ऑफ द केसेज में नॉट नेसेसरीली कि सब कंपनीज बहुत अच्छा कर रही होंगी बट एवरी कंपनीज ट्राई टू हेज आउट देयर पोर्टफोलियो While this may be true, it is difficult to understand the extent to which this hedging occurs. अब लेकिन हमें ये नहीं गेज पता कि वो कितने परसेंट हैज हैं क्या वो हो सकता है कि करेंसी पे बुलिश हो हम पेरिश हों तो वो व्यूज डिफरेंस भी हो सकते। अभी हम यहाँ तक रखेंगे then we'll discuss it further.